शरीफ थे जब तक तब तक इल्ज़ाम मिलते रहे कि शरीफ थे जब तक तब तक इल्ज़ाम मिलते रहे, शराफत छोड़ दी तो सबके सलाम मिलते रहे। मेरा यही अंदाज इस मतलब इस जमाने को खलता है। क्या बोल रहा था तू? गन नीचे रख। तू मेरे आदमी को मेरे सामने गन दिखा रहा है, चलाना सिखाऊं क्या? नीचे रख। औकात मेरी छोटी पर सपने बड़े थे, औकात मेरी छोटी पर सपने बड़े थे, नजर घुमा के देखी मेरे अपने ही दुश्मन बन के खड़े थे। रमी खेल के पैसे जीत रही हूँ, आप भी खेलो और पाओ 100% वेलकम बोनस एंड फॉलो जंगली रमी ऑन टिकटॉक एज वेल। कहा था ना मेरी जान, तुम बदले तो कुछ नहीं, अगर हम बदले तो माहौल बदल देंगे। सोच लिया है मैंने, मुझे रिलेशन प्लेन चाहिए, क्योंकि जिनके शिप हैं वो तो सारे डूब रहे हैं ना। अकेले तो क्या हम है? जो कहता हूँ मुंह पे कहता हूँ, दिमाग में चापलूसी वाला मीटर नहीं लगवाया। कि जो कहता हूँ मुंह पे कहता हूँ, दिमाग में चापलूसी वाला मीटर नहीं लगवाया, और मेरी तरक्की देखकर लोग खुद जल गए, मैंने किसी के पिछवाड़े में हीटर नहीं लगवाया। कुछ लोग सही तो कुछ लोग खराब कहते हैं, कि कुछ लोग सही तो कुछ लोग खराब कहते हैं, लोग हमें बिगड़ा हुआ नवाब कहते हैं। असली असली मुझे पता है मैं कैसी हूँ, तो इसलिए तुम्हारे ओपिनियन की मुझे जरूरत ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है, ये सबकी अपने को जरूरत। डॉक्टर साहब मुझे ना बुला की बीमारी है। अच्छा, कब से है तुम्हें ये बीमारी? कौन सी बीमारी? मैं रोता हूँ और वो हंसा देते हैं, मैं रूठता हूँ वो मना लेते हैं, पता नहीं किस मिट्टी के बने हैं वो पापा, कि पता नहीं किस मिट्टी के बने हैं वो पापा, जो सीने में हर दर्द दबाकर पूरे परिवार को हंसा देते हैं। बापू तेरे करके ना तेरा दिख लो। भाई मेरा फोन खराब हो गया यार, मेरी जिंदगी खराब हो गई, मैंने किसी को कुछ बोला? तो लड़की तो कितनी अच्छी लग रही है। हाँ तो जाने जाके प्रपोज कर दे। ले जल्दी से हाथ धुला। वो तो ठीक है, लेकिन तू हाथ क्यों धो रहा है? अरे हाथ धो के पीछे पड़ूंगा ना। क्या है सुलेमान भाई, एक टाइम था कि अखा मुंबई विठल गाड़िया घर आ, ये दोनों मेरा वही दिन वापस लाएंगे। ओए हम मर गए। ओए सम्मी को देख कैसे मरा। मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं, गलती मेरी ही थी, औकात से ज्यादा मुंह लगा लिया था मैंने। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। वाह क्या गलत फहमी पाल रखी है। सुन मैं तुझे छोड़ सकता हूँ, लेकिन अपने भाई जैसे दोस्त को नहीं। मतलबी यार तेरे जैसा यार कहाँ। मैं हर किसी के हो जाऊँ, इतनी सस्ती थोड़ी ना। अले जिंदा गाड़ दूंगा अगर ऐसा बोला फिर दोबारा। क्या बोला था रे? अपने को बहुत हल्के में ले रहा है। बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। अरे बेबी क्या सोच रहे हो? बेबी एक सवाल है, उसका आंसर दोगे? हाँ दूंगी ना। आज और कल में क्या फर्क है? अरे बेबी सिंपल है, आज तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो, कल तुम मेरे एक्स हो गए। चल मरने से पहले अपनी आखिरी इच्छा बता। मैंने सुना है सबकी आखिरी इच्छा पूरी होती है। हाँ सबकी होती है, तेरी क्या इच्छा है बता। मैंने बोले आप फांसी ले लो। तुम क्या कर रहे हो? फ्री फायर खेल रहा हूँ। मैं बच्चियों के ही पबजी खेल रही हूँ। तू तुम्हारी जिंदगी में 9 साल है। बाबू कल रास्ते में मैंने तुम्हें किसी और के साथ देखा था, कौन था वो? बाबू तुमने किसी
किसी और को देखा होगा, मैं तो पूरा दिन घर में ही थी। तुम्हें रास्ते में चलते कभी मेरे जैसा कोई देखा है क्या? और बाबू जरा देख के बताना, यहाँ कुछ लिखा है क्या? नाराज हो हमसे? हाँ। इतने नहीं मिली तो इतना गुस्सा? कल को कोई दूसरा हमें ब्याह ले गया तो? दुनिया में माल की कमी थोड़े है, दूसरा पटाएंगे। मेरे वाली थोड़ी लेट आएगी, लेकिन देखना लाखों में एक आएगी। ओ मेरे भाई, लाख तो पहले जेब में लेके घूम, फिर देखना एक से बढ़कर एक आएगी। और मोहब्बत बहुत ज्यादा है तुझसे इसलिए झुक गया, कि मोहब्बत बहुत ज्यादा है तुझसे इसलिए झुक गया, वरना बड़े से बड़े झमेले मुझे चक्कर नहीं दे सके, और मेरे बाद जितने नमूने आए उसकी जिंदगी में मेरी मोहब्बत को टक्कर नहीं दे सके। कौन है मालूम है तेरे को? कौन है मालूम है? हाथी है वो हाथी, उसके सामने तू चीटी भी नहीं है। चीटी जब चीटी हाथी के कान में घुस जाती है तो वो हाथी से भी तांडव करवा सकती है। मम्मी, उसे ना लॉकडाउन में बाहर जा रही है। पबजी की बात कर रहे हैं। ये भाऊ, तेरा ये गणित है ना अपने दिमाग में नहीं बैठता है। देख, उसने अपुन को बोला, अपुन ने ठोक डाला साले को। ये दुनिया भर का टेंशन अपुन क्यों पाले? हाँ भाई, तेरे भाई ने मेरी बहन को छेड़ा। हाँ तो मेरा भाई है, पहले मैं ही मारूंगा। मिस्टर खान, आपके दिल में सीना नहीं पत्थर है। मिस फारूकी, सीने में दिल होता है, दिल में सीना नहीं होता। व्हाटएवर। बीयर पिएगी है दारू? ये संस्कार दिया ना तुझे मम्मी और पापा ने? रुक, पापा मुझे बताइए, मुझे भी दे दे थोड़ी सी। अब निकल ले यहाँ से। आमिर, तेरी सेटिंग? हाँ मुझे पता, तुझे भेजा उसने कि आमिर से मेरी दोबारा बात करा दो, रो रही होगी, गिड़गिड़ा रही होगी, कह दे उससे अब मैं उसे सेट नहीं करूंगा। अबे ना, मुझसे सेट हो गई वो। यार उसे मत पटा दे यार। मूर्ख बालक, हम तुम्हें शराब देंगे। रुको बाबा, दो मिनट में गिलास लेके आता हूँ। एक्सक्यूज मी ब्रदर, ये ब्रिज पर जाने का रास्ता किधर है? वो आगे जाके राइट बेबी। व्हाट बेबी? व्हाट ब्रदर? आई हैव अ बॉयफ्रेंड एंड आई हैव अ सिस्टर। हंसती रहे तू, हंसती रहे। ले तो फिर। अबे साले, बेबी पहचानो, मैं कौन? मनोज? नहीं। कमल? नहीं। राजीव? नहीं। तू कौन हो? मैं सुमित हूँ। अच्छा बेबी, अच्छा बेबी एक बात बताओ। क्या? सुमित शर्मा हो या सुमित ठाकुर हो? तो मेरे पीछे हाथ धोकर ही पड़ गई, कहती तेरी सारी विश पूरी कर दूंगी। मैंने कहा क्यों, नाश्ते में डोरीमोन खाया था क्या? Guys, what is this? Hands. What is this? Free. Hands free. Wait. What is this? Sand. What is this? Fish. Sandwich. Wait. Don't leave me. What is this? Lips. What is this? Stick. Lipstick. Oi, सुन. भौंक. बोलने की तमीज नहीं है? हाँ तो सुन, कौन सा तमीज वाली बात है? अच्छा सॉरी, सुनिए जी, भौंकिए जी। अंकल जी, मैं आपकी बेटी से। बस कर, ये ले 50 लाख का चेक और निकल जा मेरी बेटी की जिंदगी से। नहीं अंकल जी, मैं एक सच्चा मर्द हूँ और मैं इन चंद रुपयों में नहीं बिकूंगा। अच्छा बेटी, तू तो एक मर्द नहीं है ना? नहीं भाऊजी। तो ये ले 50 लाख का चेक और निकाल दे इसको अपनी जिंदगी से। ठीक है भाऊजी, जाओ भैया। निकल। और जनाब, क्या चल रहा है जनाब? हिंदुस्तान में
तुमसे क्या बोलूंगी छोड़। अरे मुझसे बोलना, मेरे दोस्त से क्या बोलेगी? मुझे से बात करनी है यार। सुनो, एक लड़का है मुझे बहुत परेशान करता है। अच्छा। मैं उससे प्यार करती हूँ, लेकिन वो ना हमसे लड़ता है, झगड़ता है, सब कुछ करता है मेरे साथ, लेकिन प्यार नहीं करता यार। किसकी बात कर रही है? तेरी। गुरी तेरे जिया होरी ना कोई मिलिया। बेटे चलो बाहर जा खेलो, हम बातें कर रहे हैं ना। हाँ तो मैंने कौन सा आपकी जीभ पे पैर रखा, करो बातें। जिंदगी में दो चीजें कभी मत खोना, जन्म देने वाले माता पिता और जान देने वाला वफादार दोस्त। भले ही पूरी की पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो जाए। मालकिन मैं जा रही हूँ 10 दिन की छुट्टी पे। 10 दिन की छुट्टी पे जाएगी तो मेरे बेटे का टिफिन कौन बनाएगा, उसके कपड़े कौन धोएगा, उसके कपड़े प्रेस कौन करेगा, और उसका बिस्तर वो कौन लगाएगा? अगर आप कहो तो आपके बेटे को भी साथ में ले जाऊं। इतना क्यों सजाया है खुद को, कुछ अलग बात है क्या? इतने करीब क्यों आ रही हो, हिजर की रात है क्या? घर में बहुत चहल पहल है, खुशियों की सौगात है क्या? ये क्या देख रही हो खिड़की में से, ये तुम्हारी बारात है क्या? कितना काम है यार, शिट। मैं कुछ मदद कर दूं? ठीक है बेबी, तुम बर्तन और कपड़ा धो दो, मैं टीवी देख के झाड़ू मार दूंगी। चलो ठीक है। बेबी मैंने बर्तन और कपड़ा धो दिया है। मैंने भी टीवी देख लिया है। क्या मतलब? झाड़ू भी मारना है। क्या बोले? बेबी पूछ रहा हूँ, झाड़ू भी मारना है? ठीक है मार लो। भाई लोग न जाने तुम्हारे बारे में क्या क्या बोल रहे हो, तुम इधर बैठे हो। भाड़ में जाए लोग और लोगों की बातें, हम तो ऐसे ही जिएंगे जैसे हम जीना चाहते हैं। अच्छा सुनो, मैं जा रही हूँ, खाना वाना टाइम पे खा लेना और अपना ध्यान रखना। ओके बाय। अरे शांता भाई मैडम को तो जाने देती। जिंदगी में कुछ ना पा सके तो क्या गम है, तेरे जैसा दोस्त पाया वो क्या कम है। अच्छा मैं तुम्हें जो भी कहूँगी तुम्हें उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। ठीक है। मैं जा रही हूँ। आई एम गोइंग। मैं आ रही हूँ। आई एम कमिंग। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। आई लव यू टू। अरे नहीं। डू यू नो, आपने हमारे स्कूल्स बंद करा दिए, कॉलेजेस बंद करा दिए, हमारे एग्जाम्स कैंसिल हो गए सिर्फ एक कोरोना वायरस की वजह से। मैं तुम सब लोगों को एक चीज बोलना चाहता हूँ बस, थैंक यू सो मच। हाथ कैसे लगाया उसने तुम्हें? तो तमाशा क्यों लगाया तुम? उसने हाथ कैसे लगाया? मारोगे तुम? जान से मारूंगा। ये सारा मनी वाली रोड पे भीख मांग रही है। तो क्या भीख मांगने के लिए ऑफिस खोलूं? यार पहले तो तू हर बात पे रोती थी, पर अब इमोशनली स्ट्रांग कैसे हो गई? अकेले होना और अकेले रोना इंसान को बहुत मजबूत बना देता है। जीना सिखा दिया। Oh my God, मैंने तेरे को दिल दिया, फिर पता चला तेरे को तो दिमाग की जरूरत थी। औरत 1 किलो का मेकअप तो उठा सकती है पर 100 ग्राम का दुपट्टा नहीं उठा सकती। तो तुम अपनी 1 ग्राम की पलके झुका लिया करो। I love you, मुझे आप बहुत पसंद है। मेरे पीछे ना मेरा फ्रेंड आ रहा है, वो मुझसे भी ज्यादा स्मार्ट है। कोई भी तो नहीं है पीछे। और तुम उससे प्यार करते ना तो पीछे नहीं देखते। सारे झोलम झाल से दूर हूँ मैं, इसलिए तो मशहूर हूँ मैं। अरे सुनो चलो खाना खा लो, आलू मटर की सब्जी, चावल और रोटी बनी है। पता है मुझे, मैं ही बना के आया हूँ सारा खाना। खाना खा लो। अगर मैं तुम्हें छोड़ के चली गई तो तुम क्या करोगे? मैं तो पागल हो जाऊंगा। तुम दूसरी शादी नहीं करोगे? पागल तो कुछ भी कर सकता है।